वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर थ्री, एक्स है बिटवीन 1 से 2, वाई है बिटवीन 0 से 2x, और ये है जेड है बिटवीन 0 से x तक, आर एक्सप्रेसिबल एज। देखो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली इसमें इस चेक कर लो, या फिर उससे बेटर है कि आप इसको पहले सब तरीके से निकाल हर तरीके से और उसके बाद फिर डायरेक्ट आंसर मिला लो। तो मतलब हमें चाहिए क्या क्या, डी जेड डी वाई डी एक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ से इसको देख के हम लोग को क्या पता चलता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर लिखना चाहे तो जेड भी एक्स पे डिपेंडेंट है, वाई भी एक्स पे डिपेंड है और एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं। तो एक्स को यहाँ पे लिख देंगे 1 से 2, लास्ट में हो जाएगा डी एक्स। फिर हमारे पास अगर वाई डिपेंड कर रहा है तो वाई कैसे डिपेंड कर रहा है, 0 से लेकर के 2/x तक, तो यहाँ पे डी वाई लिख देंगे। डी जेड कैसे डिपेंड कर रहा है तो 0 से लेकर के x तक, तो डी जेड लिख देंगे। तो यहाँ हमारा डी जेड डिवाइड डी एक्स, ये सिंपल हो गया डायरेक्टली, क्योंकि जेड जो है वो भी एक्स के टर्म में है। मतलब कि इसको आप दो तरीके से ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बना देते हैं एक्स जेड प्लेन और एक बना देते हैं एक्स वाई। तो एक्स जेड प्लेन में अगर आप देखोगे तो जेड कैसे वेरी कर रहा है, जेड जा रहा है फ्रॉम 0 से लेकर के x तक, यानी कि ये वाला जेड इक्वल्स टू एक्स तक। तो जेड 0 से स्टार्ट कर रहा है और एक्स तक जा रहा है, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक, मतलब यहाँ ये कुछ ऐसा पोर्शन हो गया। तो ये ऊपर में आपको ऐसा दिखेगा, और वाई एक्स प्लेन के साइड से अगर देखोगे तो कैसा दिखेगा, वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर के, यानी 0 से लेकर के वाई 2/x तक, यानी कि एक्स वाई इक्वल्स टू 2 तक। तो एक्स वाई इक्वल्स टू 2 मैंने आपको बताया था ऐसा कुछ बनता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो ऑब्वियस है फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लेंगे क्योंकि एक्स हमारा 1 से 2 के बीच है, तो 1 से लेके 2 तक के बीच कहीं यहाँ आएगा, तो ये वाला पोर्शन बनेगा। तो यहाँ पे ये पोर्शन बनेगा और ऊपर में बनेगा कुछ ऐसा पोर्शन इस तरीके का, ऊपर में ये यहीं तक जाएगा जेड तक, तो ये ऊपर में कुछ ऐसा पोर्शन मान लो बन गया ऐसा, तो ऊपर वाले पे ऐसे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो ये कुछ इसका फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हो x फ्रॉम 1 से 2, y यहाँ से यहाँ तक, और z के लिए 0 से x तक, जो कि हमारे यहाँ पे आया भी, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, बट ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या चेंज किया गया है, हम लोग को निकालना है dy dz dx डी एक्स और dy dx dz, मतलब हम लोग को dy dz dx निकालना है और dy dx dz निकालना है। तो अब हम लोग को y को फिक्स करना है, तो y को फिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर देंगे 0 से लेकर के। तो y के लिए हम लोग वही कर देंगे 0 से लेकर के 2/x तक, ठीक है, y तो सिंपल है 0 से लेकर 2/x तक। अब हम लोग को निकालना है मान लो dz से dx, ठीक है, ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं फिर आंसर में मिला लेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या होगा, तो देखो हम लोग को करना क्या है, dy मैंने लिख दिया, y डिपेंड कर रहा है 0 से 2x तक, 0 से 2/x तक, तो dy खत्म हो गया। अब हमें चाहिए dz का लिमिट, ठीक है, हमें z का लिमिट चाहिए, ये हमारा x है और ये z है, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है z, यहां पे हमने देखा था कि x जो था हमारा वो था 1 से लेकर के 2 तक, और z का हमारा जो वैल्यू था वो 0 से z, तो ये वाला पोर्शन आ रहा था। अब हम लोग को लेना है z का लिमिट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, z का लिमिट 0 से लेके x तक ही लेंगे, और x का लिमिट लेंगे 1 से लेके 2 तक। मतलब कि इसको अगर एक्सचेंज भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली x पे डिपेंड कर रहा है और x यहाँ पे है लास्ट सॉल्व होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 2, 0 से x, 0 से 2/x, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये dy dz dx। अब हम लोग को इसमें देखना है dy dx dz, इसमें कौन सा करेक्ट होगा, तो इसको निकालते हैं। इसमें देखो असली में यही समझने वाला है, इसमें मजा भी आएगा। देखो इसको समझते हैं, तो यहां पे क्या होगा, y का लिमिट अगेन 0 से 2/x तक, तो dy खत्म। अब उसके बाद हम लोग को देखना है x का लिमिट। अब x का लिमिट कैसे देखेंगे, तो x, अब इसको सिंपल देखो, एकदम बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन लगेगा, इसको y और x की तरह ट्रीट करो, मान लो ये y है और ये z को ना आप ऐसे सोच लो कि z और y ऐसे, ताकि समझने आपको इजी होगा। अब सोचो यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना है, जस्ट dy को जब हमने फिक्स कर दिया तो हम लोग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, पहले था dz dx, मतलब ये था देखो dz dx, हम लोग dx dz कर रहे हैं, तो ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज कैसे होगा, सिंपल यहाँ पे हम लोग का ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग उसको ऐसे कर देना है,
मतलब हॉरिजॉन्टल कर देना है, तो सिंपली हॉरिजॉन्टल कर देंगे, मतलब ऐसे कर देंगे। तो अब हॉरिजॉन्टल में आप देखो तो चेंज हो रहा है यहाँ के बाद, एक बार यहाँ के बाद अलग है और फिर यहाँ से ऊपर अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कैसे लेंगे, तो यहाँ पोर्शन से लेकर के यहाँ पोर्शन तक लेंगे, यानी कि वन से लेकर के टू तक जाएगा एक्स। तो एक बार जा रहा है एक्स, देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे इधर वाला राइट साइड वाला, तो ये फिक्स्ड ऑलवेज टू ही है, चट्टान की तरफ मैक्सिमम टू तक ही जाएगा ये वाला चेंज कर रहा है, या तो कभी वन पे जाएगा या फिर कभी यहाँ, मतलब दोनों में से जो बड़ा है, एक्स इक्वल्स टू या तो वन भी हो सकता है या एक्स इक्वल्स टू जेड भी हो सकता है। जेड है हमारा, कब डिपेंड करता है, जो बड़ा होगा, अगर जेड बड़ा हुआ मतलब कि ये वाला पार्ट बड़ा आएगा, एक्स का वैल्यू जेड में बड़ा आएगा तो यहाँ हो जाएगा, और वन बड़ा आएगा तो वन, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, किस तरह से हम लोग फिगर बना रहे हैं, तो हम लोग को ये वाला पोर्शन लेना है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे देखो यहाँ तक हम लोग वन ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन कम वैल्यू दे रहा है, लेकिन जैसे ये बढ़ने लग गया ज्यादा, मैक्सिमम हो गया, तो वन के बाद देखो इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो वन और इसमें, यानी वन और जेड में हमारा कॉम्पिटिशन है कि जो बड़ा होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, यानी मैक्सिमम लेंगे किसका, वन का और जेड एक्स के केस। और जैसे ही आपने एक बार वो फिक्स कर दिया और ले लिया, तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमारा जेड का लिमिट है, जेड का लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहा है टॉप तक, तो टॉप में यहाँ टू है क्योंकि यहाँ पे ये एक्स बराबर जेड है, तो जैसे ही आप एक्स की जगह पे दो रखोगे तो जेड की जगह पे भी दो आ जाएगा, तो आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, जेड बराबर जीरो से लेकर के दो तक, तो जेड हो गया जीरो से लेकर के टू तक, तो ये हो गया डी एक्स डी जेड, यानी देखो ये वाला आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड कॉमा वन से टू तक जा रहे हैं, फिर जीरो से टू तक जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज करना था, इतना तक ये खत्म करने के बाद इसको जस्ट आप ऐसे सोच सकते हो, सॉरी ये वाला करेक्ट हुआ था हमारा, इसको आप भूल जाओ, बस इसका आपको ऑर्डर चेंज कर देना, मतलब कि जीरो से लेकर के एक्स तक, वन से टू डी जेड डी एक्स, चेंज द ऑर्डर, ये क्वेश्चन बन गया मेरा, मतलब कि डी एक्स डी जेड कर दो और यहाँ पे जो भी ऑर्डर आएगा उसको लिख दो, ये तो फिक्स ही रहेगा।